बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम हेटरोस्टैटिसिटी के टॉपिक को आगे ले जाकर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने इसकी कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हमने की है, हमने क्या पढ़ा था कि हेटरोस्टैटिसिटी क्या होती है, कि जब आपके पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन होमोस्टैटिसिटी वो वॉयलेट कर जाती है, देन वी कॉल इट हेटरोस्टैटिसिटी। ठीक है, अब वो अजम्पशन क्या है, वो कैसे वायलेट करती है, वो डिटेल के साथ हम ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हेटरोस्टैटिसिटी अक्कर होती है आपके मॉडल में, तो आपके मॉडल पे इफेक्ट क्या पड़ता है, फिर आपको पता कैसे चलता है कि आपके मॉडल में अक्कर हुआ है नहीं हुआ। अब पता लगाने के बाद फिर आपने उसको किन किन प्रोसीजर के साथ को यूज़ करके उसको आप जो है तो रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं, हमने क्या लिखा है कि जो ऑयली सिस्टीमेटर, जैसे कि आपको पता है कि जो भी चाहे मल्टीकोलिनेरिटी होती है, हेटरोस्टैटिसिटी या ऑटोकोरिलेशन, इनका इफेक्ट हमारे ऑयली सिस्टीमेटर पर ही होता है। ठीक है, अब हेटरोस्टैटिसिटी के अक्कर होने से क्या पड़ता है, ऑयलेस एस्टिमेटर जो होता है वो अनबाइस्ड और कंसिस्टेंट ही रहता है। ठीक है, यानी वो उसके अनबाइसनेस को इफेक्ट नहीं करता, ना ही उसकी कंसिस्टेंसी को जो है तो वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, ये हमारी जो एफिशिएंसी प्रॉपर्टी है ना, ये उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। वो एस्टिमेटर, वो ऑयलेस एस्टिमेटर फिर इफिशियंट नहीं रहते जो हेटरोस्टैटिसिटी, जिस मॉडल में हेटरोस्टैटिसिटी अक्कर हुई हो, उस मॉडल के एस्टिमेटर्स जो होते हैं ऑयलेस एस्टिमेटर्स, उनकी एफिशिएंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एफिशिएंसी क्या चीज है, हमें पता है ना कि जो मिनिमम वेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली जब आपके ऑयलेस का जो वेरिएंस जो है वो मिनिमम हो, वो हमारे पास एफिशिएंट कहलाता है। तो उसके वेरिएंस, मिनिमम वेरिएंस की जो बात है ना, वो यहाँ पे नहीं रहती मजीद हमारे पास, ये प्रॉपर्टी टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो ये किस वजह से होती है, जब आपके मॉडल में हेटरोस्टैटिसिटी अक्कर हुई होती है। ठीक है, यानी आपका ऑयलेस बेस्ट नहीं है क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो उसकी गई। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि उसकी वजह से हमारे मॉडल पे वाकई में फर्क पड़ रहा है, अगर जो हेटरोस्टैटिसिटी अक्कर हो जाए ना। लेकिन अब वो अक्कर हुई है नहीं हुई आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट यूज किए जाते हैं। सबसे जो पॉपुलर टेस्ट है वो है स्पेयरमैन स्ट्रेंथ कोरिलेशन टेस्ट है। ठीक है, सेम जैसे हम टेस्ट से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, मतलब हाइपोथेसिस प्रोसीजर के थ्रू ही हम जो है तो इनको करते होते हैं। ठीक है, स्पेयरमैन स्ट्रेंथ कोरिलेशन का अपना एक टी स्टैटिस्टिक, अपने एक स्टैटिस्टिक है, अगर इसके फार्मूले को देखें तो ये टी स्टैटिस्टिक के थ्रू ही हम करते हैं ना। आपके पास फार्मूला क्या है कि टी इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे जो R यूज हो रहा है ये कोरिलेशन नहीं है, ये कोरिलेशन कोफिशियंट है। अगर आपको याद हो तो उसको हमने डिस्कस भी किया था, आपके पास है 1-6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनएन स्क्वायर माइनस 1। तो ये सेम वही चीज है जो बीएससी पार्ट 1 की बुक में भी आप रिग्रेशन के चैप्टर में आप पढ़ते होते हो, कोरिलेशन के चैप्टर में, तो ये सेम वही चीज है। यहाँ पे वो एज अ टी के स्टेटिस्टिक के अंदर वो यूज हो रहा है आर इंटू स्क्वेयर रूट एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1-r². ठीक है, और स्क्वेयर रूट भी है उसके ऊपर। तो ये आपके बुक में भी लिखा होगा, यहाँ पे चूंकि हम डिटेल में नहीं जाते, जस्ट इनको हमने डिस्कस करना है कि डिटेक्शन के लिए आपके पास उन प्रोसीजर्स के नाम क्या है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इवन जब मेरा इंटरव्यू था केपी कमीशन में, तो वहां पे मुझसे भी पूछा गया था कि हेटरोस्टैटिसिटी को डिटेक्ट हम किन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, उन टेस्ट के नाम बताएं। तो नाम यही है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास गोल्डफील्ड ग्वांट टेस्ट भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसका भी आपके पास जो सेम वही प्रोसीजर है हाइपोथेसिस का, उसी के थ्रू हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि आप मिडल की ऑब्जर्वेशन को लेके उसको डेटा में से आप ओमिट कर देते हो। ठीक है, उसको ओमिट करने के बाद फिर उसका अपना एक प्रोसीजर है। ठीक है, फिर एफ रेशो यूज किया जाता है फिर मजीद टेस्ट अप्लाई करने के लिए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दो वीडियोस में जो है इन्हीं प्रोसीजर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई एक दो क्वेश्चन इन पे करके इनको डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट फिर एक पार्क टेस्ट भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। सो ये टेस्ट यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट द हेटरोसिडास्टिसिटी। अच्छा, रेमिडीज हेटरोसिडास्टिसिटी के क्या है? तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेमेडी ऑफ हेटरोसिडास्टिसिटी इज जनरल लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर मेथड के थ्रू हम इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? या वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ हेटरोसिडास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमसे यही क्वेश्चन अक्सर होते हैं इकोनोमेट्रिक के पोर्शन से कि हेटरोसिडास्टिसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके डिटेक्शन के मेथड्स क्या है, उनके जो आपके पास रेमेडीज है कौन कौन सी रेमेडीज यूज किए जाते हैं, तो इन्हीं में से कोई एक दो क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। सो आई होप आप जो है इजिली उनको रिस्पॉन्स दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।